अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। आज का डिनर किसी को भी भूख नहीं लगी हुई थी। चाइनीज बनाने का प्रोग्राम था लेकिन वो भी कैंसिल करके ऐसी लाइट सी खिचड़ी और चटनी बना रहे हैं, वो भी सबके लिए नहीं, दो तीन लोगों के लिए। तो जो है चटनी के लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और एक छोटी सी प्याज चॉप करके डालिए। कभी कभी भूख ज़्यादा ना हो और हल्का सा लाइट खाने का दिल चाहे तो ओवरनाइट ये फूड बहुत जल्दी हजम भी हो जाता है और अच्छा रहता है। खिचड़ी बोलते हैं इसको उर्दू ज़बान में, और टमाटर की चटनी साथ। तो ये भी चटनी बन रही है। प्याज हल्की सी ब्राउन भी नहीं हुई तो उसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें अब सॉल्ट जाएगा। टमाटर चले जाएंगे, एक मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। टमाटर गरम बिल्कुल जो है, एक मिनट में टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं ये दूसरा फ्लेम मैंने ऑन किया है, इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज, एक छोटी सी प्याज डाली है और थोड़ा सा ऑयल, ये से 2 स्पून ऑयल और एक छोटी सी प्याज। अब मैं आपको खिचड़ी बनाने की रेसिपी भी साथ साथ बता रही हूँ, दोनों चीज़ें मैं एक साथ बताऊँगी। जैसे ही प्याज हल्की सी पिंक हुई है, मैंने इसमें हाफ स्पून अदरक लहसुन शामिल कर दिया। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू उठेगी, मैं इसमें चावल डाल दूंगी। जो मैंने 2 कप चावल में हाफ कप
ब्रेड वाली दाल, आप ये देख लें, 2 कप चावल है मेरे, ये छोटे से कल जो मैंने आपको कप दिखाया था, और उसकी हाफ दाल, ये 3 आदमियों के लिए बहुत है। ये मैंने धो के भिगो दिया था, 15 मिनट हुए मुझे इसको भिगो के, अब मैं इसमें ये शामिल करने लगी हूँ। मेरा लहसुन खुशबू देने लगा है, इसमें मैं 1 स्पून सॉल्ट शामिल करूंगी। छोटा क्वार्टर हल्दी का जाएगा, और 1/2 स्पून मैंने सफेद जीरा लिया है। बस ये 3 चीजें जाएंगी और मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैंने नमक 1 चम्मच और 1 स्पून मैंने 1/2 स्पून हल्दी और 1/2 स्पून जीरा डाल दिया है। ये थोड़ा सा चावल मुझे खुशबू देने लगेंगे, बस मैं पानी डाल दूंगी। पानी जैसे ही मैं डालूंगी बस फिर ये पकेंगे। जैसे अब मैंने 2 कप चावल लिए हैं और 1/2 कप मैंने दाल इसमें शामिल किए, तो मैं कम से कम इसमें 3 कप पानी डालूंगी, उसी कप से जिस कप से मैंने चावल लिए। बस तकरीबन ये हो गया है, इसमें मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। आप जस्ट डबल पानी इसमें शामिल कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। ये बस ये अब हो गया है बिल्कुल, अब ये सिर्फ ढक के पकेगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके आँच फ्लेम को कम कर देंगे। अब हमारे चटनी का देहाल देखते हैं हम, ये देखें ये बिल्कुल टमाटर गल चुके हैं। हमने थोड़ी सी प्याज को ब्राउन करके, अदरक लहसुन डाल के, और जो है ना नमक डाला था थोड़ा, और टमाटर। अब ये इसमें लाल पीसी मिर्च जा रही है 1/2 स्पून, 1/2 स्पून हल्दी जा रही है, हाफ स्पून इसमें जीरा जाएगा, साबुत जीरा, सिर्फ 1/4 इसमें काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च, अब
इसको थोड़ा भून लेंगे। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, 1 मिनट के बजाय 2 मिनट्स इसको हमने और टाइम दे दिया था। किसी भी मिर्च 1/2 स्पून, कुटी मिर्च 1/2 स्पून, जीरा 1/2 स्पून और काली मिर्च 1/3 हमने इसमें डाली है। अदरक लहसुन नमक हमने पहले डाल दिया था, प्याज हल्की सी ब्राउन जब हुई थी, टमाटर काट के डाल दिए। बस ये चटनी इन्हीं चीज़ों से तैयार होती है, इसलिए इसको टमाटर की चटनी बोलते हैं, खिचड़ी के साथ खाने के लिए। लेकिन इसमें अब कुछ चीज़ें कर रहे हैं आज हम लोग, हमारे हस्बैंड को ये आइडिया आया, उन्होंने कहा कि इसको है ना जो थोड़ा सा शिमला मिर्च, कैप्सिकम ग्रीन, येलो और हरी मिर्च और आलू, इससे थोड़ा सा इसको फ्लेवर देते हैं। ये उनका चाइनीज़ का मूड था ना आज, तो वो इसमें टच कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, ये हमारा तैयार करा हुआ कोई नई डिश बनेगी, इसको रोटी से भी खा सकते हैं। चाइनीज़ के लिए सब्जियां निकाल के रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि चलो आज देसी खाने में चाइनीज़ का लुक दे दो। मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह चाइनीज़, तो फिर इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगी, बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ईद जैसी हो जाती है लोगों की। खिचड़ी भी हमारी तकरीबन रेडी है, राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। पानी पूरा ड्रायर हो गया है। चटनी में मैंने आलू कैप्सिकम वगैरह डाले थे तो वो थोड़ा दम पे रखे हैं, गल जाएंगे 5 मिनट, और 5 मिनट इसको भी मैं हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ रेडी होंगी। नाज़रीन, ये हमारा डिनर तैयार है लाइट सा, और जो है खाने में इतना मज़ेदार कि बस आप किस तरह उसकी तारीफ मैं आपके सामने करूं जब तक आप खा नहीं लेते। तो इसको बनाइए, बहुत इजी है, खाइए। चटनी जिस तरह मैंने बताई थी सब्जियां डालने से पहले उस तरह ही बनाइएगा, हम हमेशा वो बनाते हैं। आज इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये डाल दो, तो ऑप्शनल कर दिया, लेकिन वो चटनी वैसी ही बहुत मज़े की होती है। आप बनाइएगा, खिचड़ी के साथ खाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। लाइट सा डिनर है, कभी हैवी का मूड नहीं हो तो ये बहुत फटाफट तैयार हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें।